और आध्यात्म के उत्थान में जिन भाषाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है, संस्कृत उनमें सबसे प्रमुख है। भारत एक विचार है, संस्कृत उसकी प्रमुख अभिव्यक्ति है। भारत एक यात्रा है, संस्कृत उसके इतिहास का प्रमुख अध्याय है। विविधता में एकता की भूमि जो है, संस्कृत उसका उद्गम है। भारतस्य प्रतिष्ठे, भारतस्य प्रतिष्ठे दुवे संस्कृतम संस्कृतिस्थता। की काशी नए भारत के लिए इसकी प्रेरणा बनकर उभरी है। मैं आशा करता हूं कि यहां से निकले युवा पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति के ध्वजवाहक बनेंगे। बाबा विश्वनाथ की ये धरती विश्व कल्याण के संकल्प का साक्षी भूमि बनी। साथियों, हमारे ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म के उत्थान में जिन भाषाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है, संस्कृत उनमें सबसे प्रमुख है। भारत एक विचार है, संस्कृत उसकी प्रमुख अभिव्यक्ति है। भारत एक यात्रा है, संस्कृत उसके इतिहास का प्रमुख अध्याय है। भारत विविधता में एकता की भूमि जो है, संस्कृत उसका उद्गम है। इसलिए हमारे यहां कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे, भारतस्य प्रतिष्ठे दुवे संस्कृतम संस्कृतिस्थता। अर्थात भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत की बड़ी भूमिका है। एक समय था जब हमारे देश में संस्कृत ही वैज्ञानिक शोध की भाषा होती थी और शास्त्रीय बोध की भी भाषा संस्कृत होती थी। एस्ट्रोनॉमी में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ हो, गणित में आर्यभट्टीय और लीलावती हो, मेडिकल साइंस में चरक और सुश्रुत संहिता हो या बृहत संहिता जैसे ग्रंथ हो, ये सब संस्कृत में ही लिखे गए थे। इसके साथ ही साहित्य, संगीत और कलाओं की कितनी विधाएं भी संस्कृत भाषा से ही पैदा हुई है। इन्हीं विधाओं से भारत को पहचान मिली है। जिन वेदों का पाठ काशी में होता है, वही वेद पाठ उसी संस्कृत में हमें कांची में सुनाई देने पड़ता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के वो शाश्वत स्वर है जिन्होंने हजारों वर्षों से भारत को राष्ट्र के रूप में एक बनाए रखा है। साथियों, आज काशी को विरासत और विकास के एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। परंपराओं और अध्यात्म के इर्द गिर्द किस तरह आधुनिकता का विस्तार होता है, आज दुनिया ये देख रही है। रामलला के अपने नए भव्य मंदिर के विराजने के बाद अब अयोध्या भी इसी तरह निखर रही है। देश में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों पर भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। यूपी को कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाभ मिला है।
ऐसे कितने ही काम आज देश में हो रहे हैं। अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से विकास को नई रफ्तार देगा, देश सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। और आप भी जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब मैं सांसद तो हूं लेकिन हर बार कुछ न कुछ काम लेके आता हूं, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। करोगे ना? देखिए, जितनी चीजें मैंने बताई हर चीज को इतने शानदार तरीके से यहां लोगों ने उसको उठा लिया, सब उससे जुड़ गए और एक नई चेतना नई पीढ़ी में आ गई।